नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम क्या देखने वाले हैं? मेरे से भाई ये सवाल बहुत पूछा जाता था कि आप गेम कहाँ से बाय करते हो, चाहे वो क्रिकेट 19 हो, चाहे कंट्रोल वाली गेम, मतलब कोई भी गेम, खास करके पीसी गेम्स कहाँ से बाय करते हो। ये सवाल का जवाब हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ऐसी गेम्स बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा सेल आता है साल के अंत में, साल के बीच में जून महीने में एक सेल आता है समर सेल करके। वो पीसी गेम्स का इस वेबसाइट पर सबसे बड़ा सेल होता है। लास्ट टाइम भाई मैं पीसी गेम पे नया था, मुझे कुछ आइडिया था नहीं ज़्यादा, मैं यूज़ नहीं कर पाया था, अभी तक अफसोस हो रहा है। आज मैं वो गेमें दिखाने वाला हूँ भाई जो शायद आपको मेरे चैनल पे आने वाले वक्त में दिखने वाली हैं। और ये छः गेमों पे मेरी नज़र रहेगी। प्राइस कम हुआ, डिस्काउंट आया बड़ा लास्ट टाइम जितना, तो भी मैं बाय कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं वो वेबसाइट क्या है, कैसी है और कैसे, मतलब मैं वो कौन सी 6 गेमें हैं जहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं सारी। तो जो गेम जो इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है उस वेबसाइट का पूरा मेन, यहाँ यहीं से सारी की सारी गेम ली जाती है। और इसका नाम है, एप्लीकेशन इस वेबसाइट का नाम है, इसमें आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टीम बाई स्टीम नाम है। इसकी लिंक जो होती है वो store.steampower.com करके होती है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप ये अभी मेरे एड्रेस बार में पढ़ पा रहे हैं। तो ये इसकी लिंक है। मैं हर बार स्टीम कहता हूँ, लोग सोचते steam.com, ऐसा नहीं है, store.steampower.com। तो यहीं से सारी की सारी गेम्स बाय की जाती हैं, सारी के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नई गेम्स जो आती है मोस्टली यहाँ पे आती है, आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। जैसे बैटलफील्ड 4 तो अभी बाय वाला ऑप्शन आ रहा है, कुछ नई गेम्स भी आई हैं जो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। पता नहीं कहाँ से, हाँ ये देखिए Dying Light 2 का प्री ऑर्डर चल रहा है। और उसके अलावा और भाई हाँ बैटलफील्ड 4 का प्री ऑर्डर चल रहा है। ये सब भाई E3 का जो अभी भी रिवील हुआ है उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। Stalker 2 का भी चल रहा है। अब हम देख लेते हैं वो 6 गेम कौन सी हैं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, 24 के आसपास शायद सेल होने वाला है। आज मेरी रिकॉर्डिंग के वक्त हुई है 14 तारीख। अब 2 दिन के बाद आप देख सकते हो 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक नया भी सेल आएगा। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 24 जून से होने वाले 8 जुलाई के बीच में होने वाले समर सेल की। वो कंफर्म नहीं है लेकिन मोस्टली उसी बीच होता है। तो मैं 24 तारीख गिन के चल रहा हूँ कि यहाँ से 10 दिन बाकी हैं सबसे बड़े सेल के। अब वो गेम देख लेते हैं 6 कौन कौन सी हैं, जो आपका डेफिनेटली आपको गेम प्ले भी दिखने वाला है उसका आने वाले समय पर इस चैनल पर, और हम लोग बाय भी करेंगे। पहला गेम जो है, अनफॉर्चुनेटली ये गेम बहुत पुराना है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इस गेम को बाय करने का वेट कर रहा हूँ। पेपर्स प्लीज़ नाम है। इसके अंदर आप जैसे वीज़ा जो अप्रूव करते हैं, आप काम करते हैं ऑफिस में और आप लोग आपके पास आते हैं, आपको उनके पेपर्स डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, उनके चेहरे मैच कराने पड़ते हैं, उनको अप्रूवल करना पड़ता है। ये आपका डेली का काम है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो उस हिसाब से ये गेम प्रोग्रेस करता है। तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा शॉर्ट गेम है, फनी टाइप है। ऑलरेडी इसके रिव्यू देखिए कितने ज़ोरदार हैं, ओवरवेमिंगली पॉजिटिव। ये सबसे हाईएस्ट होता है इस वेबसाइट पर, ये सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, ओवरवेमिंगली पॉजिटिव। तो ये गेम पे मेरी निगाहें होंगी और देखते हैं कितने कीमत इसकी गिरती है। मैं कम से कम 70-80% तो डेफिनेटली, ये जितने सेल में दिखा रहा हूँ सब में 70-80 होगा। 1-2 गेम छोड़ के मैं भी दिखाता हूँ कौन सी है वो भी। और ये कुछ ऐसा हाल है, ये वाली गेम के ऊपर मेरी निगाहें होंगी। शायद मैं डेफिनेटली इसको बाय करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर बजट देखना पड़ेगा क्या सेल आता है इसका। तो जो सेकंड गेम है वो है हमारा म्यूटेंट फुटबॉल लीग। फुटबॉल मतलब वो पैरों वाला फुटबॉल नहीं है, ये रग्बी जैसा है, अमेरिकन फुटबॉल इसको कहते हैं। और ये गेम 2017 में लॉन्च हुआ था। इसकी अभी करंट प्राइस देखते हो तो 459 रुपीज़ हैं, लेकिन सेल में वही मैं कह रहा हूँ 70-80% मिनिमम ऑफ होने वाला है। रिव्यू वेरी पॉजिटिव है, काफ़ी बढ़िया है और यूनिक गेम प्ले होने के कारण आपको इस वेबसाइट पर और भी NFL की गेम मिल जाएंगी, लेकिन उनके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा, लेकिन गेम प्ले बहुत सिंपल है। और अभी क्या हुआ है 2-3 साल से जितने रिव्यू आप पढ़ोगे नेगेटिव या तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये एक गेम ऐसी है जो यूनिक गेम प्ले के साथ आपको अमेरिकन फुटबॉल या फिर फुटबॉल कह दो, रग्बी कह दो, उसका एक्सपीरियंस लेने का मौका देती है। तो ये होगी मेरी सेकेंड गेम जिसमें मैं निगाहें लगा के बैठा हूँ। इसका प्राइस ड्रॉप होते ही फटाक से मैं इसको ले लूँगा। हमारी तीसरे नंबर की गेम है सुपर मेगा बेसबॉल 3। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैलेंज दिया था, इसका वीडियो आ चुका है। ये बीच में गेम फ्री थी 1 हफ्ते के लिए। इस वेबसाइट पे आपको हफ्ते पर, हर हफ्ते के एंड में या हर हफ्ते के 3-4 दिन पहले, ख़त्म होने से पहले आपको गेम्स फ्री मिलते हैं, बड़े बड़े गेम्स फ्री खेलने को मिलते हैं 3-4 दिन के लिए। तो मैंने इसका वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन आप लोग गोल पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन क्लियर हो गया था कि भाई हाँ आप लोग पसंद करोगे इस गेम को, क्रिकेट से काफ़ी मिलता जुलता है। तो सुपर मेगा बेसबॉल 3, बेसबॉल की जितनी भी गेम्स हैं 2-3-4 साल में लॉन्च हुई है, सबसे बेस्ट रिव्यू इस गेम का रहा हुआ है। तो वेरी पॉजिटिव। ऑलरेडी आप देख सकते हो 13 मई 2020 की गेम है, तो अभी मुश्किल से एक साल हुआ है। 959 रुपीज़ अभी करंट कीमत है, लेकिन जब ये डाउन होगी तो 60-70-80 तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा, 60-70% के आसपास डाउन हो सकती है इसकी कीमत। तो इस पर मेरी बहुत कस के निगाह है। एक्चुअली मैं बीच में वेट करता रहा, कम हो नहीं हुई। लास्ट टाइम हुई थी वही देखो ये लिखा है, इस टाइम फ्री हुई थी। तो ये हो गई हमारी तीसरी गेम। चौथी गेम की बात करते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को इस गेम के बारे में पता है, लेकिन BeamNG Drive भाई ये एक फिजिक्स बेस्ड कार व्हीकल सिमुलेटर गेम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो रिव्यू, अभी मैं ट्रेलर प्ले नहीं करना चाहता, मुझे आइडिया नहीं है कितना कॉपीराइट रखी। ये देखिए कुछ तो इस तरह का इसका गेम प्ले है। आप नई नई कारों के साथ नए नए सिनारियों में खेल सकते हो और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इसका गेम प्ले है। और इसका रिव्यू आपको बताएंगे। 68,000 लोगों ने इस गेम को खरीदा है। ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिव्यू है, 96% रिव्यू पॉजिटिव है। बहुत अपने आप में बड़ी बात है ये। और 2015 से ये गेम है, पहले आया था अर्ली एक्सेस, अभी भी अर्ली एक्सेस में ही है, इसकी कीमत की बात करते हैं अगर, तो इसकी कीमत है 569 रुपीज़। लेकिन अब मैं जो कह रहा था यहाँ पर कि ये एक ऐसी गेम है जिस पर 25-30 या 40% भी आ जाता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लास्ट टाइम जो इसका आया था सेल वो 30% हाईएस्ट है इसका, 30% से कम नहीं हुआ ये। और मैं इसमें कुछ 30-40 के आसपास उम्मीद कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जितने अभी तक हमने गेम देखे उसमें सबसे कम ड्रॉप इसमें होने वाला है। इसकी अपडेट भी आई है 2021, देख सकते हैं मार्च 19 में। और डेवलपर्स भाई जम के काम कर रहे हैं और गेम में मतलब अनलिमिटेड टाइम खेल सकते हैं। जितनी मैंने अभी तक आपको गेमें दिखाई, पेपर्स प्लीज़ को छोड़ के कहीं तक, उसको भी अनलिमिटेड टाइम खेल सकते हैं, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट टाइम। लेकिन बाकी सारी गेमें आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। हमारा चौथा गेम है WWE 2K20। मुझे मालूम है इसके आपने थोड़े बहुत गेम प्ले देखे थे, लेकिन वो मैंने बाय नहीं कर पाया था और ये मेरे मेन अकाउंट में नहीं था गेम। लेकिन मैं पिछली बार ये गेम बहुत सस्ता हुआ था, 80-90% ड्रॉप हो गया था प्राइस। लेकिन उस समय मेरे को आइडिया नहीं था यार कि ये सेल, मुझे लगा फिर आएगा सेल, बाद में लूँगा। और एक साल हो गए और फिर छूट गया ये गेम। WWE 2K20 भी प्रोडक्शन में चल रहा है। कई लोग बोलेंगे 2K19 क्यों नहीं ले रहे। भाई मैंने ना 2K18, 19, 20, 18, 17, 16 कुछ नहीं खेला। 2011 मैंने सर्वाइवर सीरीज अरे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ PSP पे खेला था। उसके बाद कंसोल पे मैं कोई WWE गेम इतना ज़्यादा नहीं खेला है। 2K19 का भी आइडिया है, 20 का भी आइडिया है। मेरे PC में क्रैश नहीं हो रहा था गेम, 1-2 घंटे में कहीं एक आध बार क्रैश हो जा रहा हो तो बात अलग है। अब बग थे गेम प्ले में, लेकिन मैं हमेशा चूज करता हूँ कि जहाँ तक हो सके लेटेस्ट गेम लिया जाए। और अधिकतर रिव्यू मुझे मालूम है इसके मिक्स्ड हैं, पर उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लोगों में क्रैश बहुत हो रही है गेम, मेरे में नहीं हुई थी। और अपडेटेड अगर अपडेट की बात करते हैं, कोई खास अपडेट आया नहीं है। जो नए इसके DLC आए थे वही आए थे 2019-20 की शुरुआत में, उसके बाद कुछ आया नहीं है खास। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2K20 ही बेहतर होगा मेरे लिए बाय करना। तो ये है वो 2K20 का गेम प्ले। ये हमारा गेम नंबर 5। और सबसे आखिर में आता है Assassin's Creed सीरीज़। मैं अनफॉर्चुनेटली Epic Games पे है Assassin's Creed वाला हाला, नहीं तो मैं वाला हाला को ही खरीदता। लेकिन अब Origins का भी ऑप्शन है मेरे पास, Odyssey का भी ऑप्शन है। Odyssey लेटेस्ट गेम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं लेटेस्ट गेम पसंद करता हूँ, लेकिन Assassin's Creed Origins सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने रिव्यू में कहा कि अगर कोई गेम Assassin's Creed का एक्सपीरियंस करना है तो Assassin's Creed Origins ही बाय करना। इसकी कीमत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, 3,000, 3,500, 4,500। लेकिन जब इसका ड्रॉप होता है तो 80-80%, 70-80%, 80% लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 80% यहाँ से इसकी प्राइस ड्रॉप होगी और अच्छी खासी ड्रॉप होगी। साथ में डिस्काउंट भी हो सकता है कि आए 700-800 का बाय करो कुछ तो 200 रुपया ऑफ, ऐसा कुछ ऑफ़र आ सकता है। तो ये मेरी छठी गेम है। तो अगले महीने के लिए मैं अब ऐसा कोशिश करूँगा मैं आपको बता सकूँ कि अब मैं कैसे गेम मतलब बाय करता हूँ, या फिर मेरी आने वाली गेम्स कौन सी हैं जिस पर मेरी निगाहें हैं, ताकि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई गेम ना खेला हो तो आप खेल लो या फिर आप बाय कर लो या कर सकते हो। तो पर ये जो गेमें मैंने 6 चुनी है ना, मेरे को लगता है ये बेस्ट गेम है, डेफिनेटली सबको खेलनी चाहिए। दूसरी बात, इसका गेम प्ले टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब पैसे लगभग वसूल करवा ही देगी। Assassin's Creed भी ओपन वर्ल्ड समझ ही लो, और इसके जो छोटे छोटे मिशंस हैं, साइड मिशंस करोगे तब तो और टाइम इसका स्पेंड कर पाओगे। Odyssey मैं नहीं लेना। Odyssey मैंने भाई देखा, मैंने Odyssey का रिव्यू बहुत ख़राब आया है। एक दो चीज़ें कि उसमें बहुत लंबे मिशंस हैं, मैप बड़ा सा बना दिया, रिपीटेड आइटम्स कर दिए हैं, इंसान बोर हो जाता है। Origins के बारे में मैंने अधिकतर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही सुने हैं। तो भाई ये 6 गेमें मैं निगाहें लगा के बैठा हुआ हूँ। और एक चीज़ और दिखा दें हम, ये है हमारा अकाउंट। ऑलरेडी मुझे मालूम है आपको एक नई गेम दिख रही होगी जिसका गेम प्ले अभी तक आपने नहीं देखा है, इस स्क्रीन पर है। टोटल 123 गेम्स में अभी तक बाय कर चुका हूँ इस यहाँ पर। और भाई बस और क्या बताऊँ, 123 गेम्स बाय कर चुका हूँ। और स्टीम ही वेबसाइट है जो मेरा सोर्स है गेम बाय करने का, और हाई बहुत ज़बरदस्त मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ख़रीदो तो स्टीम से बाय करो। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, बहुत बढ़िया मतलब सारे गेम्स आने लगते हैं। अब टक्कर बढ़ी है, एपिक गेम्स टक्कर दे रहा है, GOG ऑलरेडी अवेलेबल है तो टक्कर तो मिल रही है, लेकिन अभी भी स्टीम बहुत आगे। अचीवमेंट्स के भी ऑप्शन देता है यहाँ पर, उसके अलावा आप अपने आइटम्स वर्कशॉप का ऑप्शन देता है, रिव्यू आप शेयर कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो एक अच्छा कम्युनिटी बना सकते हैं। अगर आप लोग ये गेम खेलते हो तो आपको लोग भी मिल जाएंगे जो आपके गेम्स मतलब जो आप खेल रहे हो वो गेम खेलते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, पता नहीं कितना बड़ा है, मुझे आइडिया नहीं इसको एडिट कट करने के बाद कितना छोटा बनता है, पर मैं छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। और बस ये दिखाना था भाई कि कैसे कहाँ से मैं बाय करता हूँ गेम्स, ये सवाल मेरे से पूछते हैं सब लोग। साथ ही छः गेमें वो कौन सी हैं जिसमें मेरी निगाहें एकदम मतलब कड़क एकदम निगाहें बस प्राइस ड्रॉप और मैं ले लूँ। इसका गेम प्ले भी डेफिनेटली आएगा, इन 6 गेमों में से सबका मैं करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ लेता हुआ मैं विदा। भाई ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में। बाय बाय, टाटा, गुड डे सभी को।